इस हफ्ते के लोचा ऑफ द वीक पर फीचर कर रहे हैं आमिर खान। यस, आमिर खान ने जब लगान बनाई तो लोगों ने उनके हिम्मत की दाद दी। जब आमिर ने फिल्म डेली बेली बनाई तो आमिर के गट्स की सभी ने तारीफ की। लेकिन कुछ लोग आमिर से नाराज हो गए व्हेन ही डिड नॉट स्टैंड अप फॉर हिज फ्रेंड्स अर्जुन कपूर एंड करण जौहर। आमिर ने हाल ही में हुए कंट्रोवर्शियल स्टैंड अप रोस्टर शो के लिए अपने ही दोस्तों को फटकारा और डांटा। सोर्सेस की माने तो आमिर का कहना है कि ये शो बहुत ही वायलेंट था और उन्हें पसंद नहीं आया, लेकिन ये भी कहा कि उन्होंने शो पूरी तरह से नहीं देखा। तो देखे बिना आमिर ने जजमेंट कैसे पास की? इस बात से इंटरनेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन रसल पीटर्स भी नाराज हैं और उन्होंने आमिर को रिपोर्टेडली सलाह दी कि ही शुड शट अप एंड माइंड हिज ओन बिजनेस। इतना ही नहीं, रसल ने ये भी कहा है कि आमिर तो सिर्फ एक एक्टर हैं जो स्क्रिप्टेड लाइंस पढ़ते हैं, उन्हें किसी के ऑनेस्ट काम पर सलाह नहीं देनी चाहिए। ताजुब की बात तो ये है कि आमिर खुद एक बोल्ड और एडवेंचरस स्टार हैं। फिल्म पी के प्रमोट करने के लिए उन्होंने सिर्फ ट्रांजिस्टर लेकर न्यूड पोज किया था। डेली बेली में कई एडल्ट चीजों का जिक्र है और उस फिल्म की भाषा भी बोल्ड है, फिर आमिर इतना मोरालिस्टिक क्यों बन रहे हैं? We hope the locha around Amir dies down and the star reveals his true persona of being always one with the film fraternity in protecting their freedom of expression. I don't think Amir Khan has any business ki wo Arjun Kapoor ya AIB walon ko kuch bhi bhashan dein ki wo log vulgar hain ya crude hain. आमिर खान को सोचना चाहिए, जैसे कि पूजा भट्ट ने कहा है कि आमिर खान ने खुद डेली बेली की पिक्चर में कैसे सपोर्ट किया है या वो पीके के पोस्टर में किस तरह न्यूड होकर पोज कर रहे थे। सो आई थिंक देयर इज अ बिट ऑफ डबल स्टैंडर्ड हियर एंड लाइक पूजा भट्ट सेड ही कुड पुट सनी लियोनी टू शेम।